बाद दूसरा आर्टिकल जो है हमारा है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन 1665 न्यूटन ने जब वो बड़ा गौर फिक्र कर रहा था कि ये जो प्लैनेट्स हैं क्यों सूरज के गर्द चक्कर लगाते हैं, इस मिस्ट्री को इस रात को वो समझने की कोशिश कर रहा था। एक 1665 में ने वो जब न्यूटन आया था इस के ये प्लैनेट है वो क्यों चक्कर लगा रहे हैं, तो अचानक उसने देखा कि एक जो है एप्पल है, एक एप्पल नीचे गिरता है, तो उसको समझ आ गई किसकी ग्रेविटी की कि एप्पल नीचे किस लिए आ रहा है कि किसी चीज़ ने इसको अपनी तरफ कशिश की है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसने इसको नाम ग्रेविटी का दिया। और ग्रेविटी वो लाफ हाथ है कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, और ग्रेविटेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स बिटवीन टू बॉडीज, इस बार ग्रेविटेशन दो इंसान के दरमियान कोई से दो इंसान के दौरान हर दो इंसान कहना चाहिए हर दो इंसान के दरमियान कशिश की फोर्स होती है। कशिश की फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, इसको ग्रेविटेशन कहते हैं। हर दो इंसान के दरमियान पाए जाने वाली कशिश की जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशन की फोर्स कराती है। और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया कि हर जिस्म जो है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body, with a force, एक force कहता है which is directly proportional to the product of their masses, product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. हम इस तरह बयान करते हैं कि हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ कशिश करता है। कशिश की ये फोर्स जो होती है उनकी मैसेज की हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके मराकिस के दरमियान जो फासला होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर जिस्म दूसरे जिस्म को कशिश करता है। कशिश की ये जो फोर्स है मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके माबेन उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के फासले के मुरब्बा के इनवर्सली एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
to the square of the distance between their centers. Suppose there are two objects, M1 matches with M1 and M2, and they are kept at a distance of D. Both A to the same D distance पर हैं, और न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोडक्ट कितनी है, हासिल तरफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके जो दरमियानी फासला है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके दरमियान का जो फासला है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखें M1 पहला एक किस्म है, M2 दूसरा किस्म है, ये स्क्वायर नहीं है, M2 है दूसरा, और ये स्क्वायर है डी स्क्वायर है। अब इसको कंबाइन करें तो ये कितना हो जाएगा M1 M2 / D² और जब भी प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं हम इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं M1 M2 / D², जहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे जी से डायरेक्ट करते हैं, जो ग्रेविटेशनल किसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो कीमत है वो बहुत कम है और इसकी कीमत कितनी होती है 6.673 × 10⁻²⁰ की इसकी कीमत होती है। इसका यूनिट हम लिख लेते हैं, यूनिट कैसे होगा, यूनिट होगा एफ फिर डी स्क्वायर बाई M1 / M2 हो जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, इसकी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम और किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका यूनिट जो है बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम जो है पर किलोग्राम स्क्वायर इसका क्या होता है यूनिट होता है 10। इसकी कीमत होती है 6.673 × 10⁻²⁺ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ये जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन की फोर्स न्यूटन के लॉ के मुताबिक फोर्स होती है ग्रेविटेशन की प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा M1 M2 / D². जब इसको खत्म करते हैं प्रोपोर्शनल को तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जी, M1 M2 / D² हो जाएगा। जी को क्या कहते हैं, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी कीमत होती है 6.10⁻²⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है इसकी कीमत होती है। यानी ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन इज द पुल इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून क्या है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, हर जिसम दूसरे जिसम को क्या कर रहा है, कशिश कर रहा है, और जो भी कशिश की फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इन दोनों को जब कंबाइन किया, जब ये साइन जो है प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होता है कॉन्स्टेंट आता है, इस कॉन्स्टेंट को हम जी से डायर करते हैं, और जी क्या होता है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट होता है 6.10⁻²⁰।